कर दो, 80 सीट वैसे भी मांग रहा था, 542 में से, 80 में से नहीं मांग रहा था, 542 में से। मैंने कहा कि अपना चुनाव लड़ा के मैं घूम घूम के आके आपकी मदद करूंगा और भाजपा के रोकने को मैंने खतौली जिता के दिल्ली नहीं दी थी भाई। आप बताओ ईमानदार है, जो लोग सियासी लोग हैं बताओ किस, और कुछ लिया मांगा है किसी में से कुछ? खतौली उनको, और ये कहा कि भाई तुम आना भी मत, जिता के दिखाऊंगा। दो दिन तीन दिन लगातार घूमता रहा, और देखो अजीत सिंह जी लड़े थे 2019 में, 17 में ये हारे थे। जब अजीत सिंह लड़े 19 में तो समाजवादी, बसपा और आरएलडी तीनों गठबंधन था, तो भी 30,000 से हारते, आप पता करवा लेना। और 2022 में भी हारे, और उपचुनाव कहते हैं सरकार का होता है, उस उपचुनाव में भी उन्होंने पूरे जोर लगाया, मगर हमने अपनी मेहनत से, हमें अपनी अपील पे भरोसा, अपने लोगों पर भरोसा है कि वो समझ गए कि भाई ये आदमी हमारी आवाज उठाएगा। उन्होंने मेरे बात पर लब्बैक होकर वोट दी, और देखो 22,500 से हराया, 16,500 पूरे किए और 38,000 प्लस वोट हुआ। ठीक है, तो मुझसे पता नहीं क्या दिक्कत है, खैर मैं समझता हूं। वो एक बहुत अच्छी शायरी है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा कैसे बुझे जिसको रोशन खुदा करे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। भाई अगर तुम ही सब कुछ होते तो तुम पता नहीं क्या कर बैठते। जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिए, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उनकी आवाज उठाते, तुम उनकी आवाज बनते, हर जुल्म पे उनके सामने खड़े होते, इसलिए तो वो नेता चुनते। वरना अपनी जायज लड़ाई तो खुद ही कर सकते, जो उन पे जुल्म होता है तब वो नेता की तरफ देखता है कि नेता आके आवाज उठाएगा। मैं तो अभी जितनी हिम्मत का हूं उतनी हिम्मत से लड़ रहा हूं, और मैंने जो कुछ किया कभी मैंने किसी अपने किसी सियासी मकसद के लिए नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं यहां आऊंगा, लेकिन मुझे पता है इस धरती में बल है इसलिए मैं यहां आया। 6 महीने पहले मेरे ऊपर 4-4 गोली चली, 6 महीने पहले एक गोली, आप देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा, एक गोली बिल्कुल अगर एक इंच इधर हो जाती 315 की तो ये पेट फाड़ जाती हो। उसके बाद भी डरा मैं, फिर मैदान में अगले दिन फिर लड़ा। 3 दिन बाद बहते खून में भरतपुर गया आंदोलन करने के लिए, एम्बुलेंस में लेट के, और एम्बुलेंस में लेट के आया, खून बहता रहा लेकिन घबराया नहीं, क्योंकि मुझे पता है इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी रोजी रोटी उसके हाथ में, जिसने पैदा किया है ये कौन है। अभी पिछले 4 दिन की बात सुन लो, भाजपा से तो अब तो मुझे भाजपा से थोड़ा लड़ना है, कई लोगों से लड़ना पड़ रहा। नॉमिनेशन करने गए तो उन्होंने कह दिया पहले अंदर भेज दे, फिर कह दिया वक्त खत्म हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया। परसों रात को मैं आखिरी प्रोग्राम में था तो मेरी कमर में झटका लग गया, एनआरसी में जब मैं पकड़ा गया था तो ऐसी मारियों में मुझे 250 लाटियां, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है, वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जब सर्दी आती है तो अकड़ जाता है। तो परसों रात कल मैं फिर नॉमिनेशन में भी नहीं जा पाया, तो मैंने प्रस्तावकों को भेजा भाई आप कर लो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे को उठाया नहीं जा रहा था। फिर मैं इंजेक्शन लगवा के कल फिर मैदान में आ गया, मेरे लिए जंग है ये करो मरोगी। अगर हमें यहां जिंदा रहना तो हमें ताकत बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सियासी रूप से कमजोर हुए तो हमारे साथ जुल्म हो। मैंने 4 दिन पहले पत्र लिखा आजम भाई को, उनके बेटे अदीब है, कि उनको बता देना भाई साहब को कि मैं मिलने आऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि भाई, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या करोगे। मैंने कहा जब मैं रामपुर चुनाव लड़ाने गया उसको आसिम रजा को, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया था भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, तो कह रहे कोई बात नहीं मैं लड़ाऊंगा, मैं आऊंगा लड़ाने के लिए। अब वो जेल में, तो जब ये मेरे साथ जुल्म हो रहा था तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई आप देख लेना ये है हालात, तो मुझसे पहले चले गए वहां कि मैं चला ना जाऊं, मुझसे पहले चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अदीब को कह दिया कि अदीब तुम ही बता देना, मैं आ भी नहीं पाऊंगा, मेरे पे काम है, क्योंकि जब मेरे इतने रास्ते रोके जाएंगे तो मैं वहां यहां रहूंगा वहां जाऊंगा। उनसे बता देना कि उनका भाई परेशान है और मदद मांग रहा है, तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबसे प्रेम करो, लेकिन आप मौका तो दो किसी को भाई, एक ही आदमी को आप हर बार मौका दोगे और वो मौका लेके आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो आप जब तक आप उसको एहसास नहीं कराओगे कि अगर हमारी कदर नहीं करोगे तो हम फैसले बदल सकते हैं, तो फिर वो क्यों सुनेगा आपको। मैं यहां 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूं, एक एक जगह बूथ कमेटी बना के, और कोई गांव पता कर लो, ये शकील भाई बैठे हैं भाई, ईमानदार से तुम रोजे हो, अपने दिल पे आके बताओ, जितने दलित समाज के गांव में गए हो क्या 1% लोगों ने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ है?
एक ने भी नहीं कहा, 1% तो बहुत है, एक ने भी कभी आज तक ये नहीं कहा कि हम सुनो। मैं 500-550 गांव में खुद चला गया भाई, मेरे लोगों में बड़ा उत्साह है, दलित समाज के लोगों में, कि भाई हम पे पहली बार मजबूत नेता आया जो किसने दबता नहीं है, हम यहाँ जुल्म सह रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। अब मैं पहले आपके बीच में नहीं आया, पहले दलित समाज के बीच में गया कि इनको पक्के कर लूं। जब मैं दिल से पक्का हो गया तो दूसरे लोगों को लगा कि भाई हम तो सोच रहे थे ये हार जाएगा, तो जीत रहा है, फिर उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें कर ली। तो मैं उनसे भी नहीं घबरा रहा हूं, मेरा मानना यह है कि कुदरत किसी की मेहनत को भी खराब नहीं करती। मैं मेहनत कर रहा हूं और खूब मेहनत करूंगा। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो खून दूंगा, याद रखना मेरी बात। और अजमाल का देख लो, ये एक महीने की बात है ना, मेरी उम्र 60 साल है कि घर में छिपकर बैठ जाऊंगा, अगर ऐसा होता तो गोली लगने के बाद छिप जाता, मौत एक दिन आएगी, मौत से नहीं डरता मैं आपके भोलेपन से डरता हूं। आप जो भोले बने पड़े ना, आपके भोलेपन से डर लगता है मुझे और कुछ नहीं, ठीक है। ये आजम खान साहब हम पे गवाही है इस बात की कि अगर सियासी आवाज कोई किसी की बनता है तो उसको क्या क्या जुल्म सहना पड़ता है, उनके उनकी उन्होंने जो ताकत पैदा की, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, ये उसकी देन है, उनका कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है, मेरी बात को याद रखना आप लोग। उन्होंने जो वो तालीम इख्तियार बनाया ना, वो यूनिवर्सिटी, कि आपके बच्चे गरीब का, रिक्शा वाले का बच्चा, ठेले वाले का बच्चा, दुकान वाले का बच्चा कम पैसों में पढ़ सके, दलित पिछड़ों का बच्चा पढ़ सके, वो जो तालीम का इख्तियार खोला ना, ये है उनकी असल वो। अगर वो बड़ा सा मदरसा बना देते तो शायद कोई तकलीफ ना होती, लेकिन आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बने, इस बात की उनको समस्या है, इसलिए उन्होंने वो तो बंद करवा ही दिया, लेकिन उसको बनाने वाले को सजा दे रहे हैं, कोई दोबारा बनाने की कोशिश ना करे। तो मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे,